गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए जल्दी सब लोग क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने स्टोरी शुरू की है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो सिविलाइजेशन से इकोनॉमिक्स को जोड़ा। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने आपको ये बताया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सवाल यह है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने से पहले आपको समझना होगा कि इकोनॉमी क्या है, हम इकोनॉमी किसे कहते हैं, आपको यह जानना होगा। तो आइए इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यह वर्ड बड़ा कॉमन सी बात है इकोनॉमिक्स के अंदर कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो देखिए, ये सवाल बड़ा दिमाग में घूमता है, चलता है कि सर इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों कहते हैं। तो बहुत बच्चे इसका जवाब ये रखते हैं, सर इंडिया में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है रिलेटेड, वो एग्रीकल्चर से होती है, इसलिए हम इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। चलो एक मिनट के लिए तो हम इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन सवाल है कि सर इकोनॉमी क्या है, अभी भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है इन विच पीपल कैन अर्न देयर लिविंग्स बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें लोग अपने लिविंग को, मतलब लाइवलीहुड्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो सवाल यह है कि सर किस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे बच्चों प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे सिस्टम में, हमारे इकोनॉमी में जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, हम उस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो क्यों कहे? क्योंकि यहां जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा परफॉर्म हो रही है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रही है, इसलिए हम इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। तो चलो, ये तो क्लियर हो गया कि सर इकोनॉमी का मतलब क्या है। बच्चों, इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में लोग अपने लाइफ को, अपने लिविंग को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कलेक्टिवली हम इसको इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी एक सिस्टम का नाम है ना। जैसे देखो ना बेटा, बच्चों बॉडी, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बॉडी। तो बॉडी क्या है? बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। कुदरत ने बहुत सारी चीजों से, बोन्स है, स्किन है, फ्लैश है, ब्लड है, नर्वस सिस्टम है, इंटायर चीजें हैं मिलकर एक बॉडी। तो उसी तरह इकोनॉमी इंटायर सिस्टम है जिसके अंदर हर चीज परफॉर्म हो रहा है। ओके, होप सो यहां तक क्लियर होगा। आगे आते हैं। इन अदर वर्ड्स, एन इकोनॉमी रेफर्स टू होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन एन एरिया। अच्छा, हम शॉर्ट में ये कह सकते थे कि इकोनॉमी जो है इंटायर कलेक्शन है। एक एरिया में, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में जो एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी सबसे ज्यादा रन हो रहा है वही इकोनॉमी कहलाता है। सिंपल। चलिए, तो सर ये तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि इकोनॉमी, लेकिन सर इसी इकोनॉमिक सिस्टम को रन करने का बहुत तरीका भी तो है ना सर। हम लोगों ने पढ़ रखा है, सर हम लोगों ने पढ़ा है कि इकोनॉमी अपने आप में एक सिस्टम है, और ये सिस्टम फिर डिवाइड होता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी में। यानी सर एक इकोनॉमी अपने आप में बहुत अलग अलग तरीके से भी रन करती है। हाँ जी बिल्कुल, इसी सिस्टम को हम लोग कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से पढ़ते हैं। तो आगे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो इकोनॉमी फर्दर क्लासिफाई होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, ओपन इकोनॉमी हो गया, या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। ओके, चलो ये तो इकोनॉमी पर बात हो गई।
सर ये बताइए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जब आप माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बता रहे थे, उस समय भी आप बार बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे थे, शॉर्ट में आप इस चीज को रख रहे थे अपने एक्सप्लेनेशन में। फिर आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं आपको स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा रहा था फर्स्ट वाले लेक्चर में, वहां भी मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था, है ना? होप सो। चलो सुशांत, तो बच्चों क्वेश्चन ये दिमाग में बार बार आ रहा है कि सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है? देखिए, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आया? दुनिया की हर एक सरकार, हर एक इकोनॉमी, बच्चों चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी दोनों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ता है? क्या इसका कोई वजह है? क्या इसका कोई लॉजिक है? क्या इसका कोई रीजन है? सर हाँ बच्चों, है ना, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो सवाल ये है, जहां रिसोर्स लिमिटेड होगा और ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड होंगे, वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम है बच्चों, हमारी जैसे जैसे जरूरतें चाहते पूरी होती चली जाती हैं, हम और ज्यादा चाहत को पैदा करते हैं। हमें लगता है अरे यार काश मेरे पास ये होता, अच्छा ये मिल गया, अरे वो भी हो जाता, हम वो खरीद लेते, वो परचेस कर लेते। ये बढ़ता चला जाता है, ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। तो सोचो बच्चों, जहां वॉन्ट्स अनलिमिटेड हो, रिसोर्स लिमिटेड हो, वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो होगा, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो जन्म लेगी, ऑब्वियसली। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए एकदम सही कह रहे हैं। आगे चलें क्या? अब देखिए बच्चों, हमारे पास जितना भी रिसोर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक चीज क्या है? लिमिटेड क्वांटिटीज में, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंगली वो लिमिटेड है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं तो, जो रिसोर्स है ना, उसका अल्टरनेटिव यूज भी तो है, उसके अलग अलग इस्तेमाल भी हैं, अल्टरनेटिव इस्तेमाल है, अल्टरनेटिव यूज है, जिसके कारण और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। खैर चलिए, यहां तक तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आया। सर क्या ये सिर्फ सरकार फेस करती है, गवर्नमेंट फेस करती है? नहीं बच्चों, नहीं, ये एकदम कहना गलत होगा। गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी फेस करते हैं, हर एक इंडिविजुअल फेस करता है, हर एक फैमिली फेस करती है, हर एक कंपनी फेस करती है, हर एक इंटरप्राइजेस फेस करती है, हर एक सरकार फेस करती है, हर एक जगह की गवर्नमेंट फेस करती है। ओके चलो, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रोफेसर देखिए रॉबिन्स, चूंकि स्कार्सिटी पर इन्होंने ही बात किया है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम्स पे इन्होंने ही बात किया है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि इनके डेफिनेशन को कहाँ रखा गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग में। तो इन्होंने ही बताया दुनिया में कि रिसोर्स स्कार है, रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूज है। तो देखिए ये कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग, किस तरीके से हम मैक्सिमम यूज कर पाए रिसोर्स का, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पाए खुद को, और रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर पाए। अच्छा सर, ये दिमाग में हम लोग की चल रहा है, बार बार ये घूम रहा है, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी सर हमारा टॉपिक अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ बाइफरकेट होगा, डाइवर्स होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। सर इसका मतलब पहले हम गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
तो मैं आपको ये आगे बताऊंगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, लेकिन एक जवाब देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्यों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है, तीन वजह से जो प्रोफेसर रॉबिन्स, लुनन रॉबिन्स बताते हैं। तो रॉबिन्स सर का कहना है कि जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है वो तीन वजह से आती है। पहला, लिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। नहीं बच्चों, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। इंसान की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है और लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स है। रिसोर्स का जो यूज है ना वो बड़ा अल्टरनेटिव है, अलग अलग है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? ये तो हम ऐसे भी जानते हैं कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। चलो, तो सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर। सर, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये हम किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। हम अपनी सरकार, हम अपनी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए आइए, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सर एक बात बताइए, ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सर, ये किस तरह की इकोनॉमी फेस करती है? सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? नो, बिल्कुल नहीं बच्चों। वेदर इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लांड इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमी को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, सेंट्रली प्लांड इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी, हर इकोनॉमी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करती है। अकॉर्डिंग टू समसन, देर आर द थ्री फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी। देखिए, सैमसन कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तीन तरह के प्रॉब्लम को फेस करता है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये जो तीनों प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो आइए वन बाय वन इस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, है ना? चलिए, पहला सर, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस को फिर समझेंगे, पहले हम समझ ले व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए बच्चों, ये जो पहला प्रॉब्लम है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, इस लाइन से ही एक जवाब दिखता है, इस लाइन से ही एक फीलिंग आती है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक जवाब ढूंढ रहे हैं, एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और वो जवाब ये है कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए हम। आपको याद है बच्चों, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो आपने शायद इस बात को ऑब्जर्व किया होगा, जब हम लोग फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग पढ़ रहे थे, उस समय फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग में गवर्नमेंट इस बात से बहुत परेशान चल रही थी, गवर्नमेंट इस बात से बहुत चिंता में थी कि सर हम लोग किस चीज पर फोकस करें, एग्रीकल्चर पे फोकस करें कि इंडस्ट्री पे फोकस करें, मतलब सरकार रिसोर्स को कहां लगाए। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग में कि हम रिसोर्स को कहां लगाएंगे, एग्रीकल्चर पर लगाएंगे। ज्यादा जरूरी क्या है, एग्रीकल्चर। ओके, आ जाओ तो व्हाट टू प्रोड्यूस पर आते हैं, टॉपिक को समझते हैं। देखिए बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ कि किस तरह का गुड्स बनाया जाए। देखिए, हम इकोनॉमी में दो तरह का गुड्स बना सकते हैं ना बच्चों, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब सवाल है सर, कैपिटल गुड्स हम किसे कहते हैं, प्लांट मशीनरीज, एक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, तो क्या बनाना चाहिए। देखिए, कहता है बच्चों, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस। देखिए बच्चों, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो अब सरकार, गवर्नमेंट इस बात से परेशान है कि हम किस तरह के गुड्स को बनाएं, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। दूसरा सवाल कि कितने क्वांटिटी में बनाए, व्हाट क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी होना चाहिए, यह प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ। उसके बाद, इफ मीन्स आर अनलिमिटेड, देन इट वुड लेड्स टू स्टेज ऑफ सल्वेशन।
बट द मीन आर लिमिटेड एंड इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है बच्चों. अब इस लिमिटेड रिसोर्स में गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हम किस प्रपोर्शन में, या हम पूरी तरह से कैपिटल गुड्स पे फोकस करें या पूरी तरह से कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करें या दोनों बनाए. अब गवर्नमेंट को यहां फैसला लेना पड़ता है या मिक्स्ड ऑप्शन उठाए, कितना बनाए, आउटपुट कितना होना चाहिए. तो ये कुछ सवाल है जो गवर्नमेंट परेशान हो जाती है और जरूरत के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इस चीज पर वर्कआउट करती है. ओके, तो होप सो ये पहला प्रॉब्लम आप समझ पाए होंगे. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस. अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात को बच्चों. हमारे पास प्रोडक्शन करने के दो टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. पहला हो गया कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा हो गया लेबर इंटेंसिव. अब सुनिएगा ध्यान से. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो वेलफेयर इकोनॉमी में भी आती है, क्योंकि हम सोशलिज्म के कुछ कैरेक्टर को तो रखते हैं ना बच्चों. हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिज्म के जो अच्छे कैरेक्टर है उसको हम लोग फॉलो करते हैं. और सोशलिज्म के अंदर एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स. तो गवर्नमेंट के दिमाग में यह चल रहा था बच्चों कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे. लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, अगर हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज करते हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा लेबर यूज करने का मतलब है लागत का बढ़ना, कॉस्ट का बढ़ना. दूसरी तरफ प्रॉब्लम है कि अगर हम कॉस्ट अपने प्रोडक्ट का ज्यादा बढ़ा दें तो हम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को फेस नहीं कर पाएंगे. ये एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमी में. भाई व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तो हाउ टू प्रोड्यूस का यह मतलब हुआ बच्चों, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई हमें किस तरह के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए. समझे, किस तरह के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए. ऐसा टेक्निक हमें यूज करना चाहिए जिसमें हम रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए, बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करें, कम से कम वेस्टेज हो और हमारा कॉस्ट जो है वो कम से कम हो लग जाए, लागत कम हो जाए. तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर. अगर गवर्नमेंट जब ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना तो हम लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं. अगर गवर्नमेंट इस बात पे फोकस करती है कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो हम कैपिटल इंटेंसिव को फॉलो करने लगते हैं. चलो, होप सो ये आपको समझ में आया होगा. आइए, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक एग्जांपल है बच्चों आपके समझने के लिए. खैर, होप सो जो मैंने आपको समझाया उससे आप समझ गए होंगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी.